वाला है पति से। थैंक गॉड बच गया। मंडे को सुबह 6 बजे अनलॉक हो जाती है। बारिश कितने जोरों की आ रही है। 6:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ अंडा तड़का। चीज तो एक साथ इम्पॉसिबल है भाई, आप लोग कैसे मैनेज कर दो? प्लीज मुझे टिप्स शेयर करो, बहुत टफ जॉब है यूट्यूबर बनना। हो ये रहा मेरा डिनर। इजी एंड क्विक पकौड़े खाने हो तो बस ऐसे आप प्याज काट लो, थोड़ी हरी मिर्ची काट लो और थोड़ा इसमें बेसन ऐड कर दो। जब जोरों की भूख लगी हो तो बस ऐसे में आपका काम हो जाता है, क्योंकि भाई बाहर लॉकडाउन है, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फटाफट बनाते और खाते हैं। और ये मेरी गर्मा गर्म चाय भी दूसरी तरफ रेडी हो रही है, तेज पत्ता वाली। प्रिपरेशन ऑफ पकौड़ाज। आज संडे है, लॉकडाउन है, तो कुछ तो बनता है भाई, बाहर कुछ है नहीं खाने को। और जल्दी जल्दी के चक्कर में लंच भी लेके नहीं गई थी, तो फटाफट आई हूँ। बड़े बड़े ऐसे प्याज काटा है, मिर्ची काटा है, थोड़ा उसमें बेसन मिलाई हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी बस। और इधर मेरा दूध गिरने वाला है पतीले से। थैंक गॉड बच गया। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा कोइंसिडेंट होते रहता है। सो हेलो पीपल, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? अभी बज रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं, हाँ शाम के अभी 4 बज रहे हैं। मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ। आज वीकेंड का सेकेंड वीक का लॉकडाउन था नहीं है, मतलब कल सुबह 6 बजे तक है। आज संडे है, सैटरडे को शाम 4 बजे से स्टार्ट होता है ये लॉकडाउन, और ये पूरे संडे तक चलती है, फिर मंडे को सुबह 6 बजे अनलॉक हो जाती है। मतलब भाई सैटरडे का जो व्यू होता है ना बैंक मोड का, मुझे देख करके बड़ा मजा आता है, और संडे का तो उससे भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि कोई भी आपको रोड पे दिखता नहीं है। सिर्फ मुझे लगता है कि हमारी ऑफिस ओपन होती है बिकॉज ऑफ हेल्थ सेक्टर, बाकी सारे लोग क्लोज होते हैं। तो मैं भी अभी जल्दी जल्दी भाग के आ गई हूँ, 4 बज रहा है, बहुत जोरों की भूख भी लगी हुई है। तो आपने देखा ही, पकौड़ों का प्रिपरेशन हो रहा, बहुत टाइम हो गया है भाई। डाइट वाइट अपनी जगह है, पर थोड़ा बहुत तो कुछ चटपटा खाने को मन करता ही है इस वेदर में। और ये मेरा ऑल टाइम रेड लेवल नेचुरल केयर, ये चाय पत्ती आप ज़रूर ट्राई करो। ये आपको 250 ग्राम जो है 140 रुपीज़ के आप।
ब्लॉगिंग कर रहे हो, दो चीज तो एक साथ इम्पॉसिबल है भाई, आप लोग कैसे मैनेज करते हो? प्लीज मुझे टिप्स शेयर करो, बहुत टफ जॉब है यूट्यूबर बनना। बस लेट्स होप मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ अच्छा कर पाऊँ। सो अब ये बनता है, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं डिनर पे, स्टे ट्यून। अभी देखिए मैंने उसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लिया है और मैं एग फ्राई को उसके ऊपर से ऐसे डाल दे रही हूँ, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। A few moments later. तो अभी बच गए हैं 7 और मैं 7 to 7:30 तक खा लेती हूँ खाना। तो ये रहा मेरा डिनर, एक रोटी, थोड़ा सा प्याज और तड़का। नक कर लेते हैं, फिर डिनर करने के बाद आपसे मिलते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल जो होता है ये अभी मैं न्यू हैबिट स्टार्ट की हूँ लिखने का। सो वो सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, 8 बज गया है, डिनर भी हो गई है। तो अब भाई ये आधे घंटे इधर उधर कुछ कुछ करूँगी, थोड़ा सा सोशल मीडिया के साथ इंटरेक्ट करूँगी और उसके बाद 8:30 to 9 o'clock मैं सो जाती हूँ। सो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। और द मेन थिंग कि आपको अगर दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो जो जो भी ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो आपको दाल कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लॉट्स ऑफ लव उसकी तरफ से भी। मेरा पोलर बियर से गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।